चारे जागे चौ जुगी पंचायण आपे होवा दूनी चौनी करा मात सच्चे का सच्चा ढोवा चारे जागे चौ जुगी पंचायण आपे होवा चारे जागे चौ जुगी पंचायण आपे होवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ है सब दुख जाए जिस सतगुरां दी अमृत दृष्ट पेखे हुए संत वाली बख्शिश कर दी है ऐसे दीन दयाल सतगुरु सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज हजूर दे आगमन गुरपुरब नू समर्पित अज इस गुरमत समागम दा दसवां दिन है। अज समेत दस दिन हो गए ने जी सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब की सिफत विच वख वख अस्थाना ते गुरमत दीवान की सेवा गुरु हर कृष्ण साहब जी ने सिर ते मेहर भरिया हथ रख के ले। इस वरे दास ने जो संगत की सेवा शब्द विचार राही कीती ओ है जी राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी। इस दे दो दिन कथा वेस्ट क्वीना हाँ उथे कीती तीन दिन रिवर साइड गुरुद्वारा साहब विखे एक दिन ब्योना पार्क एक दिन कनोगा पार्क ते अज तीसरा दिन हो चला जी सतगुरां दे इस अस्थान ते विचार कर दे। भावें कुछ संगी ऐसे ने जिन्हां रोज़ दी हाजरी भरी ट्रैफिक होण करके कम्मां कारां विच होण करके कुछ ऐसे संगी ने जिन्हां ने कुछ दिन हाजरी भरी अज आपां सारे फिर इकट्ठे होए हां ते जो दास नौ दिनां च बोलिया है मैं उन्हूं बिल्कुल संखेप आप संगत दे सन्मुख बेनती करनी है। अति सन्मानयोग भाई जोगिंदर सिंह जी रियाड़ भाई साहब जी सतगुरां जी दे अमृत बचना दा कीर्तन सरवण करा के गए चित से सी ये कैड़ी अवस्था बिन बोलिया सब की जानदा किदे कोल अरदास करनी बिना बोलन तो जानदा है ते गुरु ग्रंथ साहब ते कहिंदे जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। ध्यान नाल सुनियो कहो बिनंती अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे दे निभाहे कीता लोड़ी है कम सोहर पै आखिए। ये नहीं कि शब्द आपस च विरोधी ने याद रखियो हर शब्द की व्याख्या कर लग्या एक सुरत का जिहड़ी स्टेज है उहदा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर बेनती है एक पासे बिना मंगन तो सब कोई दे रहा किहदे कोल अरदास करनी दूजे पासे आपां कहिंदे आ भुखे भगत ना कीजै ये माला अपनी लीजै हो मांगो संतन वेना मैं ना ही किसी का देना पर दोनों ठीक ने। कहो बिनंती अपने सतगुर पाहे क्योंकि असी सदृष्ट माना ना जी मैं सिर्फ एक बेनती करके मैं मेरा मन सी भी शब्द चल रहा ये चलन दी पर मैं संपूर्ण करना है। वेखो जेड़े पूर्ण तौर पर समर्पित हो जाते हैं ना जी
उन्होंने कभी बोलन की लोड़ नहीं पैंदी। वो कुछ भी ना बोलन, उन्होंने अंदर दे फुरने नू अकाल पुरख वाहगुरु आप जानते पैन। उंज जानदा तो साडिया नू भी, कल्ले भगती वालिया दे नहीं, इत्थे मनमुखां दे अंदर भी रब जानदा जी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछांत। इत्थे नहीं क्या भलियां दे अंदर जानदा है, इत्थे लफ्ज़ वरत्या है सच एवे के बुरियां दे अंदर नू भी पार ब्रह्म परमेश्वर जानदा है। पर मेरी बेनती है, एक ऐसी अवस्था है जिथे बोलन की लोड़ नहीं पैंदी, अपने आप परमेश्वर कर दिंदा। सिर्फ एक उदाहरण दे के आप अपने विषय वल आउणा। एक बच्चा है, वह रो के मंगदा है चीज़ भुख लगे। मान लो साल डेढ़ का बच्चा हो, साल का, वह रो के मंगेगा। अब थले कर दो इन्हें जरा लगा है अब फुलां वाला ना संगत दे। देखो वह रो के मंगदा है, जो रोंदा है तो पता लग जाता है कि असल च इस बच्चे की लोड़ है। थोड़ा ध्यान आप जी देना जी कि इस बच्चे की लोड़ है। गुरमुख थोड़ी तवज्जो दिया जी, ठीक। इस बच्चे की लोड़ है, वह रोंदा है। पर एक बच्चा वह भी जिहड़ा रोंदा कोई नहीं, तो बिना रोन तो सब कुछ मिली जाता है। फर्क है ना जी। जदों बंदा बार मुखी बच्चा हो जाता है, फिर ज़्यादा रो के जिद करके मंगता है मैनू ये दो। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जदों बच्चा अजे दुध चुंघदा हुंदा है, महीने डेढ़ महीने का बच्चा होवे ते उह सुत्ता होवे ते सुत्ते नूं भुख लग जाए, सुत्ते नूं भुख लग गई, ना तो उठिया, ना वह रोया, ना उन्हें कोई मंग कीती, कोई शब्द नहीं। सच एवे कि वह सिर्फ सुत्ते नूं भुख लगी ते मां कम कार करदी है। गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन चौंके चुल्हे च कम कर रही है, अचनचेत सब कुछ छड़ के खत धो के सुते बच्चे नू जगा के अपने सीने ना लांदी है। ते जे पुछिए सुता रहन दे तू कम नबेड़ लै, वो कहिंदी है कम तो फिर निबड़ जूगा, इनू भुख लग गई है। वे तेनू किवें पता लग गया कोई बोलिया? मैं सिर्फ एक उदाहरण लई विण बोलिया, ये तो बोलिया कोई नहीं। वो माई कहिंदी है लोको इहदा सिर मैनू पता लगना है, जदों इहनू भुख लगदी है कम करदिआं मेरे सीने विचों दुध आप ही सिमण लग पैंदा है। मैं आप नूं एक बेनती करांगा, विण बोलिया बड़ी उच्ची अवस्था है जिथे बच्चा ते माँ अंदरूनी तौर ते इन्ने क जुड़ चुके आ कि भगत कुछ भी ना बोले सच एवे भगत की लोड़। सुन सखी जी मैं पी बसै, असीं पढ़ने जिहड़ा इहदा कोई पता नहीं अंदर जीओ वसदा कि पीओ वसदा है। एक अवस्था होवे, एक अवस्था होवे जिथे अंदर बोल के कहिंदा है कि परमात्मा मैनू आ कोई चाहिदा है। ये भाई साहब ने पढ़िया, आओ जी मैं यत्न करांगा, घंटे सवा घंटे समाप्ति, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया जी। हाँ जी कृपा करो आप जितने बैठे हो, हाँ जे किस कोई थक भी जाए उठना होवे जी सदके उठ जायो, पर यत्न करो संगत की एकाग्रता ना भंग होवे। करो कृपा जी आप जितने बैठे हो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी च असीस बख्शो। ते गुरु साहिब दा शुकराना है जी जिन्हां ने इस वार दे अर्थ ते कथा जिन्नी कु सोझी दित्ती आप करा ली। करो कृपा जी अदब सहित उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हर साल इन्हां गुरमत समागमां दे अंदर आपां किसे ना किसे सतगुरां दी बाणी नूं आधार बना के लड़ीवार विचार करने का। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की विचार ये उस दी बख्शिश होवे, प्रेम भावना सहित हो जाए। इस वरे आपां मंच सी कि मैनू किसे बहुत गुरमुख प्यारी रूह कहा सी, एक ना सुनिया तुसी होना बाबा मोहन सिंह जी भिंडरां वाले। मैं एक बेनती करा, 100 साल के करीब उस शरीर च जी के गए आ। मैं होमे च नहीं कहता, मेरा नहीं ख्याल
कि इन्ना को सतगुरु की रहत ते जीवन ते पहरा देने वाला मिलिया हो। उन्हां दी एक संगी सन, वह चलाना कर चुके ने। मैनू दरबार साहब वही लैके गए कथा कर ली, भाई मनजीत सिंह। मैं जो हाथ विच दे चल पिया उस ते मत्था टेकन, मैनू दो गल्लां उन्हां कहीआं, मैनू अज तक मैं हर थां यतन करना पहरा दिया। मैनू कहिंदिया भी महाराज जी लिखी लैके चलियो मत्था टेकन लई। मैं कहा जी आ पैसे। कहिंदे ने इह किहड़ी भेटा है, कहिंदे पिछे चलो। देख लई कहिंदे सतगुरां दे दरबार विच इत्थे आयो, भावें 5 रुपये दी देख कराओ, गुरु दरबार च देग ही प्रवान है। याद रखियो पंचामृत। दूजा शब्द मैं कहा जी इह क्यों, कहिंदे सानू बाबा मोहन सिंह जी ने कहा सी। अगली गल होर की भेटा लैके आयो, मैं क्या बस आ कुछ ही जी। कह लगे केड़ी बाणी पढ़ के गुरु सामने भेटा रखना आयो, अपने नित नेम तो इलावा की लैके आयो। मैनू गल चेते आ गई, कहन लगे गुरमुख प्यारियां रूहां अपने नित नेम तो इलावा भी पाठ करके मान लो आपां घरों चले हाँ, दरबार साहिब इत्थे आए हाँ, रस्ते विच आउंदिया जप करिए बाणी पढ़िए सतगुरां दे सन्मुख आ के कि सच्चे पातशाह क्योंकि तुसी तां नाम दी भेटा नाल ही खुश हुंदे हो। फिर सुनियो फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार, केड़ी भेटा रखिए। कह लगे सब तो वड्डी भेट है अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। मैनू इन्नी चंगी लगी उस दिन तो बाद, मेरा ख्याल 15 साल हो चुके हैं मैं यतन करना गुरु रामदास के घर जान लग्या, इस वार नू पढ़ के सतगुरां दी सिफत दी भेटा लैके जाना। उंज रोज सतगुरु इस सेवा लेंदे हैं। जिस दिन मैं कथा आरंभ की सी जेड़े सज्जन अज आया जेड़े बाणी नहीं भी पढ़ते, मेरी इच्छा मेरी बेनती जरूर ध्यान नाल सुनियो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा सारी बाणी सच्ची है वे प्रेमा भगती का खजाना है जी। ये याद रखियो सिमरन तो बिना, नाम तो बिना, वाहगुरु अकाल पुरख तो बिना, गुरमुख के जीवन तो बिना, सच एवे गुरु तो बिना कोई दसो गुरु ग्रंथ साहब शब्द ये तो खाली हो गए। हर शब्द पढ़ोगे नाम शब्द बाणी गुरु वाहगुरु संत गुरमुख। हाँ जेडे तोड़न वाले लोग ने उन्हों का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब ने खुल के किया, साकत मनमुख वेमुख ये सारे शब्द वरते हैं। इतों तक कई इन्ने सख्त शब्द वरते आ कि जे सब कुछ लैके ढिड भी भर लिया खां पी भी लिया जे इन्ना कुछ भरी बैठा है तेरे खिरदे च नाम नहीं वसिया तेरे जन्म देन तो पहला माँ ही क्यों ना बांझ हो गई। इतों तक शब्द वरते हैं। मैं आप नूं बेनती तार कर लगा आ जी अज वार है ये 8वीं पौड़ी जी, पौड़ी भी गुरु अर्जुन देव की सिफत विच। ते कमाल की गल जिस खजाने आप वरतने पे हाँ ये खजाना भी धन गुरु अर्जुन देव दे गए हैं। थोड़े जे मैं दे अर्थ रिपीट कर लगा, ये मैं पहले दिन वैसे कह चुका तो मेरी इच्छा एक करी पंछी झात आप मार लीए दोबारा। मैं एक दिन बेनती की सी पहला पैसे होन खर्चा होवे तां खादा जांदा है। फिर अरे सुनियो जे मेरे जेब च कार्ड है जे पैसे ने कोई जिस मुल्क चा मैं जे खैन ते तां मैं खर्चांगा ना तां ही खांगा ना, खर्चा होवेगा ते खादा जाएगा। कदी किसे ने कहा है कि जिन्ना मर्जी खा लो खाले विच खादे विच खर्चा निकलाउणा है। फिर दोबारा सुनियो मैं फिर अर्ज कर लगा मेरे कोल खर्चा पहला चाहिए है, किसे थां ते मैं खावांगा बाद विच, खर्च है ते खादा जाएगा। कदी कोई कहिंदा तू खा ला कोई नहीं खादे विचों खर्चा निकल जाएगा, खर्चा पहला खाना बाद च। पर गुरु अर्जुन साहब कहिंदे मेरी गल सुन सिखा तू पहला गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द नू खा इनू शक इहदे विचों जो कुछ निकलेगा सारे संसार विच खर्ची जें कदी मुकणा ही नहीं। फिर सुनो खाना पहला खर्चना बाद विच। हम धनवंत भागट सच नाए हर गुण गाव हैं सहज सुभाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निदाना। आप अर्थ बड़े सौखे ने
खा वह याद रखो पहला खाना है बाद च खर्चे है। दुनिया के विच पहला लोग खर्चा कट्ठा करते ने पैसे कट्ठे करते ने ता खाते ने। गुरमत कहती है ये ओ धन है तू खुद पहला खा तू पहला जप तू बाणी पढ़ तू सिमरन कर जिन्ना तू खाएगा जिथे जाके बहेगा चेते रखी जिन्ना मर्जी खर्चे जे ने टूटा नहीं आना। खाण दर थे आप कमा खा वह खर्चे रल मिल भाई तोट ना आवे वध हो जाए। एक बचन होर तिचर मूल ना थोड़ी दो जिचर आप किरपाल उत्थे महाराज कहते शब्द अखुट बाबा नानका खाहे पहला खाहे खाहे खर्च धनवाद तो इनू शक ते इनू इनू फिर खर्च। तो मेरी इच्छा सी जी कि जे इस वार नू सुन के किसी के मन च भी चाह जाए भी अपने नितनेम विच शामिल कर लैन। ये मैं वार रोज़ पढ़नी क्योंकि इस वार की एक पिछोकड़ है। मैं बड़ा संखेप कहाँगा मैं पता है मैं हर थान पर कथा जो शुरू करता सा दूजे गुरु घर जाके तो मैनू मैनू दसना पैंदा से मैं की बोल रहा। मैं आपको बेनती की कि गुरु नानक साहब के घर महाराज जी ने कीर्तन किया जी आप सतगुरु के दरबार के जेडे पहले रबाबी ने वह सन्मान योग भाई साहब भाई मरदाना जी ने। हाँ जी उन्होंने सतगुरां नाल 54 साल कीर्तन किया है 10 साल हजूर तो वड्डे ने। यह गल जेन च रख के तुरियो 10 साल उम्र करके वड्डे ने भाई मरदाना सतगुरां नाल सन 1480 तो लैके 1534 तक उस गुरमुख ने कीर्तन किया है। केड़ी जगह जिथे भाई साहब नहीं गए सिद्धां नाल पंडतां नाल विद्वानां नाल काजियां नाल हाजियां नाल जरवाणियां नाल ठग्गां नाल जादूगरां नाल चोरां नाल हंसियारियां नाल जिथे भी गुरु नानक साहब गए याद रखियो उत्थे नाल भाई मरदाना साहब जी खलोते। मैं आप नूं इक होर बेनती करांगा बड़ा सौखा है। रबाब जिहड़ा है ये पछम का साज है पर जिहड़ी भाई साहब बैठे कीर्तन वाले जिहड़ी गुरु नानक साहब ने रबाब दित्ती उहदी डिजाइन गुरदेव ने आप तैयार किया। रबाबां दीआं कई किस्मां ने जिहड़ी भाई मरदाने वाली रबाब है उहनूं फिरंदिया रबाब कहा जांदा है वह आम रबाब नहीं उन्हूं डिजाइन हजूर ने किया है फिरंदे ने बनाई है इस करके उस रबाब का नाम फिरंदिया रबाब रख्या गया। कारीगर बनाने वाले भाई फिरंदा जी ने वजाने वाले भाई मरदाना जी ने उस रबाब के पैसे सन्मान योग बेबे नानकी जी ने दिते सन। महाराज ने तुर लग्या क्या कि बेबे रबाब लैनी है पर बेबे जी पैसे तुहाडे। जदों फिरंदे कोल गए उन्हें रबाब तो दे दी भाई साहब नूं कहिंदा मैं इहदे पैसे नहीं लैने। कहिंदे नहीं नहीं तुसीं जिन्ने मेरे साहिब ने मेरे मुरशद ने कहा पैसे लो। उहदी गल सुणन वाली कहिंदे भाई मरदानिया तेरे कोल गुण है अज तक तुसीं पुश दर पुश लोकां दे जजमाना दे घर घर विच गाउंदे रहे हो ते उहनां दीआं सिफतां कीतीआं ने रबाब लै जा इहदी कीमत सिर्फ इन्नी है गुरु नानक साहब तो बिना किसी होर अगे गाई ना कीर्तन तो बिना ना बजाई सिर्फ शब्द सच। एवे भाई साहब उदन तुरे मैं एक छोटा जिहा कविता है प्रिंसीपल गंगा सिंह जी का तो पंजाबी च लिखे है बड़े सौखा समझ पै जाने वो लिख दिया घल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहला आप ही सिखाया उन्हों आउंदा ना बजाना सी। इत्थे मेरे मन च आया भी वो तो रबाबी है रबाब नाल राग गाना ना होर चीज़ है तो कीर्तन करना जमीन आसमान का फर्क है। कई बार उन्हें गवैये बह जाते ना जी मैं किसी की निंदा नहीं कर लगा वह जो बह के वाजे तो गाँवते ने ना वो अड्डी चोटी का जोर ला लैन वह रस नहीं बनता क्योंकि गीत गा लेने गजलों दुनियावी गा लेनिया ये इश्क मजाजी है ये तो इश्क हकीकी है जिसे सीने च मुहब्बत होगा कीर्तन का रस ओदा ही आएगा। उत्थे लिखते हैं मतलब गाते सन महाराज ने कहा भाई मरदाने नू वे मरदाने तेनू राग की सोझी है जे राग विच मिला के शब्द नू गाए तेरा लोक परलोक दुई थाई पढ़ा करा। अगो भाई साहब कहिंदे बाबा जी मैं तो पेट की खातर बजाना
मैं तो जजमाना के घर रोटी की खातर बजाना, भुख्या तो रोजा भी नहीं रखा जाना, बच्चे किवें पालांगा। कह लगे छड दाने क्यों जी गल्लां करना है। जिदन परमात्मा नहीं गाउन लग पिया दुनिया के पदार्थ तेरे पैरों में रुलिया कर। सच मैं कहा एडी बख्शिश की, इतों तक व्याह वेले अपना चोला दे दिता। कई सज्जन कुड़वाई वेले मैं थोड़ा क्योंकि पिछोकड़ जाना चाहना इस वार दे आना, मैं इसो तक ही मेरी इच्छा भी अज मैं थोड़े समय से गल कर ला। जो महाराज व्याह तो बाद चोला बड़ा सोहना पाया, इतिहास बड़ी भावना पैदा करता जी। तो भाई मरदाना जी ने चोला देखा, यद मतलब कद काठ बराबर होगा, तो कल वेख के कहता जजवान अज चोले वाली तो कमाल हो गई, इन्ना सोहना चोला। हजूर ने कहा तेन चंगा लगता है? कहता किनू नहीं चंगा लगता एडा सोहना कपड़ा। महाराज अंदर गए कपड़ा लिया के चोला ला के दे देता। कह लगे तू पाला है, इतिहास है प्रूफ ने एवं नहीं, तू पाला है। उन्हें चोला सिर पर रख लिया। महाराज कहें पाला है, प्रेम न क्या पाला है। जो पा लिया तो उदो मोढ़े ते हाथ रख के ने मरदानिया चोला अज पा लिए, पर एक बचन कर। कहिंदा महाराज जजमान दसो, यही कहना सी दसो। कह लगे ये चोला नानक दा है, अपने आप लिखिया ये चोला गुरु नानक साहब दा है। इस चोले नूं पा के किसे बंदे अगे झोली नहीं उड़नी, क्योंकि मेरे चोले की झोली केवल रब अगे अड्डी जाती है। वाहगुरु अगे है गुरमुखो। इत्थे फिर लिखते ने गंगा सिंह हुणी, कल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहला, आप ही सिखाया उदू आना ना बजाना सी, आप ही सिखाया उन्हू आंदा ना बजाना सी। चारे कुंडी तार वजी जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। सज्जन जय ठग जग लोधी जय काबरा ने बाबर जय जाबरा ने सुनिया तराना सी। बाबे दा रबाबी रब आबी भिन्नी तार जी दी। इस नुकते नूं फिर सुनियो, बाबे दा रबाबी रब आबी, जिहड़ा रबाब शब्द है ना इहदे अर्थ प्रिंसीपल गंगा सिंह कर रहे अपने हिसाब नाल। रब आब, रब दर ते खुदा ते आब दर ते पाणी। बाबे दा रबाबी ये कली आम रबाब नहीं। कह लगे इस रबाब की तार वजदी है, रब दा आब इहदे विचों निकलदा है, रब की सिफत दा अमृत निकल रहा है। बाबे दा रबाबी रब आबी पिनी तार जी दी, नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी, नाम मरदाना सी पर जगत नूं तारिया। उस गुरमुख ने 54 साल कीर्तन किया। जे कि फिर समा मिलिया आपां सिर्फ रबाबियां बारे गल करांगे, ढाडियां बारे गल करांगे, कवियां बारे गल। ये एडा वड्डा खजाना है जिहड़ा सिखां विच अज कोई, हाँ गुणी हैन बड़े, कई कदरदान ने, कईआं नूं समझ ही कोई नहीं, सिर तों निकल जांदी गल। भाई मरदाना जो चलाना कर गए, गुरु नानक साहब की झोली भी उन्हों का सीस सी जी। मैं एक निक्की जी उदाहरण देना, भाई मनी सिंह लिखते हैं कि महाराज ने जिदन उपदेश दिता ना, भाई मरदाना जी कहते मैं उपदेश दो। सतगुरां ने कहा तीन गल्लां चेते रखी, एक पहर रात रहिंदियां उठ के सत नाम का सिमरन करना है, इहदा मतलब नाम जपी। दूजा केस सुचे रखने ने, याद रखो सब असी केस नहीं कटाने। तीसरा तेरे घर सुक्का होवे मिसा होवे लूणा होवे, जेड़ा तेरे घर मेहमान आ गया कोई प्रशादे तो बिना खाली नहीं जाना चाहिए। ये तीन बचन कहे। जदों महाराज जी ने भाई साहब ने चोला छड़िया, महाराज दे झोली सीस सी जी। सतगुरां ने कहा वे मरदाने, वे शब्द बड़ा गुरु साहब वरदे सन जी, वे वरदे जन्म साखी कहिंदी वे मरदाने। तो मेरे मन च आया जो आप पाठ करने, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे। पंजाबी का बड़ा मिठा शब्द है, तैसरा करी ज्ञान वे। लालो पाप की जंज लै काबलो ताया, जोरी मंगै दान वे लालो। मैं आपको बेनती करा, महाराज जी ने मथे ते हाथ रख के कहा वे मरदानिया तुसा असा का बहुत साथ दिता, हर थान तू मेरे नाल रहा, अज तू तुरन लगा है। ये सच्चाई है, सब ने जाना है। तेरे जान तो बाद तेरे शरीर का संस्कार करिए, जल प्रवाह करिए, खाक दे सपुरद करिए। उन्होंने नेत्र खोले, इन्नी शब्द क्या वाह बाबा, ये शब्द वाह बाबा, अजे भी शरीर दियां गल्लां। महाराज कहिंदे तेरे जान तो बाद कबर
खुदा के उत्थे तेनू दफना के पत्थर ला देंगा, लोग पूजणगे। अगे शब्द सुनियो, महाराज जी नू नेत्र भिज्जियां नाल कहिंदा, बाबा जी तुसी किरपा कीती, शब्द गा के चमड़े दी कबर चो निकलिया वा, चम दी कबर तो कढ के मैनू इट्टां दी पत्थरां दी कबर च ना रखियो, मैनू उत्थे रखियो जिथे तेरा वासा है। मैं फिर बेनती करा, किड्डी वड्डी गल है, जिथे तेरा वासा है। महाराज जी ने हस के कहा, जा मरदानिया तैं ब्रह्म नू पछाणिया। मैं बेनती करा, कीर्तन कुछ इतिहासकार कुरम दरिया नेड़े कहिंदे आ महाराज भाई मरदाने चलाना, उंज तरीक देखो ते करतारपुर दी बनदी है। मुख दी गल की कीर्तन करन वाला चला गया, गुरदेव रबाब लपेट के तुरे आउंदे आ। अज रबाब जाण वाला नहीं, डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू लिखदा रबाब चुकी हजूर तुरे आ रहा, बार बार बैठ गए। सुनेहा कल्या भाई मरदाने दे घर पुत्र सजादा आ गया, उन्हें वेख्या भी रबाब है पर मेरा अबू नहीं। महाराज उस वक्त मत्था टेक के कहिंदा, बाबा जी मेरा अबू, अबू समझ मेरा बाप कित्थे, मेरे अबू कित्थे। महाराज कहिंदे इन्ने गंभीर सन, कहन लगे सजादिया तेरा अबू अपने घर चला गया है, तेरा अबू अपने घर चला गया है। इन्ने शब्द कहे वो फिर नहीं समझिया। फिर महाराज दसदा तेरा अबू फौत हो गई, अकाल चलाना कर गया, अपने घर तुर गए। सजादा अखां भर लिया, महाराज ने कहा सजादिया जेड़े अपने घर जाते उन्होंने रोईदा नहीं हुंदा, जेड़ा दा घर गवा जे रोंदे उन्होंने हुंदे, वो अपने घर चले गए। कहिंदे तू जो मंगेगा तेरे बाप ने मेरे नाल बहुत साथ दिता, बड़ी सेवा की, जो मंगेगा। सजादा महाराज वेख के कहिंदा है, एक बारी महाराज के चरण वेखे, दूजी बारी रबाब देखी, कहिंदा सतगुरु मेरी झोली च वो पा दे जो कुछ मेरे अबू की झोली भी सी। महाराज ने कहा लै आ रबाब दी खोल दा कपड़ा, चल तेरे अब्बा की याद च कीर्तन करेगी। मैं आपको बेनती करा, उस तो बाद भाई सजादा जी कीर्तन करते रहे, भाई रजादा जी कीर्तन करते रहे। भाई राय बलवंत का जिक्र होंदा है कि गुरु अंगद साहब के वेले भी इतिहास कहिंदा, पर ज़्यादातर जिहड़ा इतिहास है ये कहिंदा ये दोनों भरा बलवंत जी ते सत्ता जी गुणी बहुत सन, पर घर की पूरी नहीं सी पैंदी, रोटी नहीं सी चलती, बच्चे नहीं सन पलते। ये धन गुरु अर्जुन देव के दरबार में आए, बलवंत बहुत दूरों हो के आया पर किसी ने कदर न जानी। पर जो गुरु दरबार में आया इन्हें एक कवित किया, उस कवित ने कहा जिमें सुदामे द्रौपदी सारिया उदाहरण दित्तियां, असी तुहाडे दर ते आए हैं, इन्ने कमाल का उन्हें गाया। महाराज जी ने उन्हें राय की पदवी दी। याद रखियो राय बलवंत असल च गुरु घरों मिली पदवी है, जिमें भाई मरदाने भाई की पदवी दी सी। महाराज डूमरी सन कहिंदे सन मेरा भाई है, मेरा भरा है, वाह वाह किड्डा प्यारा शब्द, मेरा भाई है। इत्थे राय पदवी दित्ती, दोनों भरा कीर्तन करन लग पए। मैं जिथों कथा शुरू की सी जिन्ना सुनी है कई बार वो खिमा कर दिया जे, क्योंकि अज मैं सारे संकोचना तो कई चैनलों पर चलनी है, तो मेरी इच्छा जिन्हें आखिरी दिन सुनी हो भी घर पूरा हो जाए इन्हें दिनों का। भाई साहब भाई राय ते राय बलवंत ते सत्ता जी कीर्तन कर दे, एक गल याद रखियो, जिन्नी खुराक बंदा ज़्यादा खाए ना उन्नी वर्जिश ज़्यादा करनी चाहिए है। जेड़ा बंदा कल्ला खुराक खाई जाए वर्जिश ना करे तो अज तुहानू पता साडा हाल की हुंदा, पता ही क्यों लगता, सुत्ता ही नहीं उठता। कीर्तन पाठ ते प्रभता वाह वाह ये खुराक है, जे इनू पछाणे तो निजा निज नितनेम तो गुरु की संगत की हत्थी सेवा जिनी भावना नाल करेगा उन्नी खुराक पच जाएगी। खुराक भारी है, पछाण वास्ते सेवा की वर्जिश चाहिए है। जे बंदा सेवा करता पचती है। कीर्तन कर लग पे, आवाज़ बड़ी मिठी सी, संगतां ने बहुत सन्मान दिता, जिधर जाना इन्ना अदब होया, पता नहीं किहड़ा करम माड़ा आ गया जी, फुरना उठ गया, अंदर तमा पैदा हो गया। रोटी मिली, पदवी मिली, इन्हां दी बेटी दा व्याह सी,
इन्होंने कहा महाराज जी तो माया लेने सानू जरूरत है। इन्हें सतगुरां नूं कहा, सतगुरु कहिंदे सारे कार्ज गुरु नानक साहब रास करनगे। वो कहिंदे नहीं जी सानू माया दिओ, ते एक दिन की माया कह दित्ती। चलो ज़्यादा डिटेल च नहीं, उस दिन परमात्मा की खेड दमड़ा ही सौक होया। इतिहासकार सौक कहिंदा सौ दमड़ा बड़ा हुंदा उस वेले, इन्ने कोई महाराज ने दिते। पता नहीं बुद्धि भ्रिष्ट हो गई, सड़ भुज गए, घर चले गए, बहुत बोले। असी कीर्तन करने हैं साढ़े करके संगत, असी कल कीर्तन नहीं करना। जे सोडी को मर्जी कीर्तन करिए गुरु बना लीए, क्योंकि उन्होंने बाबे पृथ्वी चंद की पूरी चुक सी। यह इतिहास कहता उन्हें चुक सी, क्योंकि उन्हें कहा छोड़ो पर तो की लैना, ये तो लंगर भी मस्ताने हो गए। अगे अच्छ देखा गुरु अर्जुन देव की सिफत करते हैं, तो तुम मेरे नाल आओ। याद रखियो कई बंदे ने शरारती होंगे ने, बंदियां नूं पुट देंदे ने, परत के सामने जोगा दम नहीं होंदा। उही हालत हुई हुई उत्थे, उन्हां कहा जी जिहदे कोल मर्जी कर सलाह की। सवेरे दिन संगत आई अमृत वेले जी, क्योंकि आसा की वार दा कीर्तन होना है, पर अज वो थां खाली सी जिथे कीर्तन होना है। साज पए ने पर गाउण वाला कोई नहीं आया। गुरु अर्जुन देव जी ने सिख नूं भेजिया, जाओ बलवंड ते सत्ता जी नूं बुलाओ, गए जिथे श्री अकाल तख्त है, बाबे सालूओ दा टोबा है ना, इस पासे रबाबियां दी गली हुंदी सी, उत्थे चले गए। उदो अकाल तख्त साहिब सी, मैं तां कह रहा अज दी गल कर रहा, हुण तां गलारे च आ गया। उस वक्त वह गया, उन्हें आवाज दी, गुरु के शब्द गावन हारे हो, संगत ते गुरदेव तुहाडी इंतजार करदे आ। बलवंड बोल के कहिंदा अज ही पता लग गया, बैठे ने ना, प्रसाद बता लो, असी नहीं आना कीर्तन कर। उन्हें क्या होया कि कहिंदा सानू सब पता, जो कुछ होया संगतां नू रोक दिता माया लियाउण तों, आ साडे मत्थे मारिया, असी नहीं कीर्तन करना। वह सिख अगों कुछ नहीं बोलिया, चला गया। दूसरे ने फिर घलिया, जो बुआ खड़काया, एडे भैड़े शब्द वरते, कहिंदा अज पता लग गया, एक की साडी आवाज ते रबाब दी बरकत है, जिथे मर्जी कीर्तन करिए संगता, जिन्हों मर्जी गुरु बनाइए, उत्थे कट्टियां हो जाणगियां, असी नहीं जाना। उन्हें इत्थों तक कहा, उन्हां दे पल्ले की गुरदेव नूं कह दिता, साडे करके लंगर, साडे करके सेवा, साडे करके संगत, इकट्ठ असी करिए, ते पैसे गुरु अर्जुन देव लै जाए। वह सिख वापस आ गया, महाराज ने कहा आए नहीं। उन्हें कहा महाराज तुहानूं की दसा, मैं दस नहीं सकता। फिर धन गुरु अर्जुन देव नंगे चरण चल के गए, महाराज ने जोड़े ला दिते। आ देखो शब्द की कीमत, शब्द की कदर, हजूर आप तुरे जाते हैं। बड़े सोहने शब्द लिखे ने भाई वीर सिंह जी ने, कहते देखो ओ निरंजनी छत्र का मालक, धन गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह आप तुरिया जा रहे, रबाबियां दा जाके बुआ खड़कायो ने, आवाज दिती राय जी, राय बलवंड जी, भाई सत्ता जी आओ, संगतां तुहाडी इंतजार कर दियां ने, पपीए की तरह वहक दि पैक दियां ने, विलक दियां ने, तुसी आओ शब्द की लाओ झड़ी गुरु साहब दी। महाराज ने दो तीन वारी आवाज दिती, अंदरों बोले कहिंदे लग ही समझ आ, अजे तो अज का दिन होया है, असी नहीं कीर्तन करना, जिथे मर्जी कीर्तन करिए। गुरु साहब ने कह दिता भाई ना रुसो, गुरु नानक साहब हर काम करनगे। एडी मत मारी गई, कहन लगे गुरु नानक नू कौन जानदा है जे रबाबी भाई मरदाना कीर्तन ना करता था। बस प्यारो ये शब्द कन्ना च पैन की दोहर सी। मैं उस दिन भी कहा अज असी गुरु नानक साहब दियां की सिफतां करने हैं। इतों तक मैं देखिया लोग जे कि भावना कहना धन गुरु नानक साहब तू ही निरंकार, कट्टड़ बंदे भी बर्दाश्त नहीं करते, पर मैं गुरु ग्रंथ साहब चो हौमे च नहीं प्रमाण दे सकना कि मर्ज करना। कहते गुरु नानक साहब न किन्ने जानना सी, उन्होंने कौन जानता सी। अगला शब्द वर दे दिता, चलो वह सी गुरु अंगद साहब बारे, कहते उस खतरेटे ये लफ्ज भैड़े बड़े वरते, मैं तुम्हें इस तरीके कोई शब्द कड़ के, उन्होंने कौन जानता, दुकान करने वाले रबाबियां करके इन्ने शब्द कहे। गुरु अर्जुन देव ने आवाज दे के कहा सिखो संगत जी वापस चलिए, ये फिट गए ने, ये कोड़ी हो गए आ, सच्चे फिट गए ने, जो कहा ना फिटकारे गए आ। महाराज वापस आ गए, उस दिन क्या हजूर ने उस दिन फिर सरंदा पकड़िया, डल्ले पिंड दे वसनीक साज लेके आए, सतगुरां ने उस दिन आप कीर्तन किया, दूजे दिन कीर्तन किया,
इतिहास कहता इन्हां बैराग च कीर्तन किया ते गुरु नानक दियां सिफतां च कीर्तन किया क्योंकि गुरु नानक की निंदिया कन्नां नाल सुन के आए कीर्तन होया। नाल फिर कीर्तन तो बाद क्या अज तक रबाबी कीर्तन करते सन किते किते कोई निजी से करदा सी कहन लगे संगत जी अज तो बाद तुहाडे पुत्रां धीआं ते सिखां नूं कीर्तन दी दात दित्ती सिखां दा बच्चा बच्चा कीर्तन करेगा अज यही है ना बख्शिश होई किड्डी वड्डी एवें नहीं चलदी गल ये आप कीर्तन करनगे। महाराज ने कीर्तन शुरू कर दिता। मैं बड़ी अज संकोचन लगा इसनूं दोबारा समा लंघिया सत्ते बलवान दे कोल किन्ने जाना सी पिरथीए ने की कर लेना सी जी मत ते पर्दे पै गए भुख ने तंग कर दिता रोटी नहीं घर चलती पी अगे लंघते सन लोग कहिंदे सन भाई सत्ता जी भाई बलवंत जी आओ घर चरण पाओ गुरु के कीर्तनियों शब्द गावन आ रहे हो हुण लंघते ने ते बूहे बंद कर लेंदे ने छड्डो गुरु नानक दे निंदक तुरे आउंदे। एक दिन महाराज कीर्तन करके हटे एक बजुर्ग रबाबी आया ये मैं नवीं चीज़ पढ़ी सी जी। उस बजुर्ग रबाबी ने सत्ते बलवंत का जिक्र किया महाराज सत्ता ते बलवंत बड़े दुखी हो गए। महाराज ने पता ही क्या बड़े मिठ बोलने ने सतगुरु मैं उस दिन क्या सी तत्ती तवी ते किते बोलिया तुहाडा माड़ा हो जाए पिरथी ने बाबे पिरथी ने की नहीं किया सके भरा ने जी इतों तक सके भतीजे मरवाण लई तीन खले किते पर गुरु साहब किते इतों तक पिरथिया बीमार हुंदा कहिंदे राख लिओ भाई मेरे को हाय वाहिगुरू एडी भावना मेरे भरा नूं बचा लो भरा उन्हां नूं मारन ते तुलिया मैं आप नूं बेनती करा। महाराज जी ने उस रबाबी ने कहा सत्ते बलवंत बारे महाराज वह दुखी ने भुख नाल विलक रहा। महाराज ने उत्थे जिहड़े शब्द कह सुना कहिंदे ने जिहड़ा इन्हां नूं लै के आएगा साडे कोल उहनूं नशर किया जाएगा। इस लफ्ज़ नूं ध्यान नाल सुनो नशर का मतलब इस्लामी मुसलमानी राज विच किसे नूं नशर सज़ा हुंदी सी जी। किवें नशर किया जाता सी उहदा सिर मूँह काला करदे सन गल च उहदे जुत्तियां दे हार पाउंदे सन पुराने मैले पाटे कपड़े पाए जाते सन लीरां खोते ते बिठाया जाता सी पर मूँह खोते की पूछल बल करके उन्हूं कहिंदे सन नशर करना। ये उदाहरण नहीं जी साडे कोल मैं क्योंकि किताबां दे हवाले तां नहीं दे रहा भी इहनां विच होवे खोरे विद्वता करके नशर का मतलब सी मूँह सिर काला किया जाए गल च जुत्तियां दा हार पाया जाए पाटे कपड़े पाए जाण खोते दे पूछल वल मूँह करके बह पिछले पासे अगे अगे ढोल वजे। महाराज ने कहा जिहड़ा इन्हां नूं लै के आएगा नशर करांगे। रब की खेड वापरी जी भुख तो बाद चमड़ी स्किन फटन लग पई। महाराज ने कहा ना फिट गए ये उन्हां दे शरीर चो ये थां थां ते जिवें सुक्की मिट्टी नहीं फट जाती तेड़ां पैंदियां ने जिसम च तेड़ां पै गईयां जी खून छिमन लग पिया अपने खून अपने दोनों दे जी हुण की करिए। अखीर ते ये फिर दोनों भरा लाहौर गए। उस दिन मैं कहा सी भाई गुरदास साहब ने दो सिखां दा नां दित्ता है लखू विच पटोलियां पटोलियां बाजार है उत्थे भाई लखू रहिंदा केड़ा लखू जिन्हें कहा सी भाई बुद्धू कमियार नूं तेरे आवे पकने नहीं लखू विच पटोलियां भाई लद्दा परोपकारी भाई लद्दे लई शब्द वरत्या परोपकारी उहदे घर गए जदों बूआ खड़काया ते बीबी ने उहदे घरों भाई लद्दे दी बीबी ने झीत चो देखिया ते एकदम कहिंदी हाए गुरु दे फिटकारे साडे घर कित्थे आ गए बुआ नहीं खोलिया ये फिटके हुए साडे घर क्यों आ गए देखो जी ये साडे घर आ गए इहदा मतलब गुरु संगत की नज़र च। मैं तुहानूं सच्ची दसा चाहे संत है चाहे प्रचारक है चाहे जथेदार चाहे प्रधान है शरीरक तौर पर बीमार भी हो जाए एडी औखी गल नहीं जिहड़ा संगत की नज़र विच डिग पिया उहदी किते भी थां नहीं रहिंदी। संगत विचारी बस दमस दिन क्या अपने बच्चों के रिश्ते तो निजी फैसला है ना कितने करने ने नाल दा साथ कोई रह नहीं दे सकता क्यों किया किवें किया याद रखियो गुरु अर्जुन देव ने अपने निजी फैसले भी संगत के फैसले किए आ। गुरु हरगोबिंद साहब की रिश्ता होया चंदू की बेटी नाल उन्हें यही कहा कि चवारे की इट मोरी च ला दी तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि वह तो फकीर है संगत विचों सुन लिया किसी ने उन्हें कहा महाराज अहंकारी की धी का रिश्ता नहीं लैना। गुरु साहब ने कहा जो संगत को प्रवान मैनू प्रवान है
अज भी कौम की दुर्दशा तो हुई है, याद रखियो। मैं सच कहना जो लंग लीडर संगत को टिच समझ लग पे संगत की नज़र च डिग पैंदा है। ये संगत सिक्खी विच सब तो पहला संगत है। एक होर उदाहरण देना, बीबी वीरो का विआह है, अमृतसर बरात होनी सी, पहली जंग हुई, होया कि मठियाई तैयार हुई है, इतिहास है, मठियाई तार सी सिखां नूं वंड दित्ती संगतां नूं। माता दमोदरी ने नहीं कहा कि बरात वास्ते मठियाई ते आ सिखां नूं वंडती, महाराज जी ने कहा जिहड़ी सिखां दे मूंह च नहीं पैंदी बरात दे मूंह च नहीं पैगी, नूं तुरक खाणगे। इतिहास है जी, मैनूं पता अज दे विद्वानां ने नहीं सुनाणा क्योंकि वह हर गल नूं तर्क नाल लैंदे आ। फिर विआह भी अमृतसर नहीं होया, चवाल होया सी जाके भाई लंगाह दे घर, तुहानूं पता होणा है। महाराज जी ने संगत का फैसला है, संगत के लिए फिटकारे आ गए साढ़े घर, उन्होंने बूहे अगे आवाज दी, भाई लद्दा साड़ी कोई थान नहीं रह गई, असी फिट गए हाँ, बुआ खोल जो कहना असी कर लाँगे। एक बार सानू गुरु अर्जुन देव के चरणों च ले जा, सानू हुण पैसा नहीं चाहिए, आ ज्यौंदे जी तन दा हाल हो गया, मरण तो बाद की बनेगा। भाई लद्दा कहिंदा रुक जाओ, बड़ा बड़े कृपालू सन जी। भाई बुद्धू नूं इहना बख्शवाया सी, जिहड़ा आवे वाली गल इहने बख्शवाया सी भाई भाई लद्दा जी ने। उन्होंने की किया, घर इहनूं कहा चादर कर, चादर का परदा कर लिया। कहिंदा जी उन्हें फिर रो के दस्या पर्दे पिछे, कहिंदा फिर मैं चलांगा, मैनूं नशर हो लैन दिओ। उत्थे फिर घर के जोड़े जिहड़े टुट्टे सन उहदा हार बनाया, तवा पुट्ठा लैके कालख मत्थे ते सिर ते पाटियां लीरां वाला पुराना कपड़ा कढ़िया, वो गल च पा लिया, खोता मंगाया, फिर पर्दा पिछे कीता। उन्हां दे तां मत्थे लगे पहला नशर करके अपने आप खोते ते पिछल मूँह करके पूछल वाल, अगे ढोल वजदा जांदा, पिंडां चों लंघदे ने, लौर दियां गलियां चों भावणा वाले कहिंदे सन धन सिखी, तमाशबीन न्याणे पिछे रौला पाई जांदे सन। लंघदिआं लंघांदिआं अमृतसर आ गया जी। अमृतसर दे जिन्ना कुद वसिया सी जी, गलियां चों लंघदे कोई ढोल वजदा, जदों गुरु अर्जुन देव दे दरबार सामने आए, हजूर ने कहा ये आवाज़ किहदी है अज, ये ढोल बच्चों की आवाज़, लोगों की आवाज़। संगतां कई भावना वालियां नाल तुर पईआं, उस गधे दे पिछे पिछे सत्ता ते बलवंड तुरे हुंदे सन, सच्ची मुची जिसम फटे हुए सन। महाराज कहिंदे ने कौन आए, सिख बाहर निकलिया वेख के अखां भर गईआं। महाराज कहिंदे रोना क्यों है, कहिंदा सतगुरु भाई लद्दा जी आए। हजूर कहिंदे भाई लद्दा तां पहले भी हुंदा लाहौरिया, अज क्यों? कहन लगे सत्ता बलवंड नूं नाल लैके आया जी। महाराज जी ने कहा उहनूं पता नहीं इन्हां ने ईश निंदिया कीती, मैनूं जो मर्जी कह लैंदे, मेरे दिल दे शहनशाह गुरु नानक साहिब नूं क्यों किया। ये हिसाब ला लिओ, जे निंदिया दा इन्ना बुरा फल है, तो जिहड़ा धन गुरु नानक देव रोज़ कूकदा उस सिफत दा किन्ना गुफाल होवेगा। वो लाहौर तो नशर हो के आया, गुरु अर्जुन देव जी सिंघासन छड़ के बाहर आ गए। भाई लद्दा महाराज वेख रहा सी, खोते तो नहीं उतरिया। मैं क्या अक्सर ये नहीं सुनाते लोग जी, क्योंकि इन्होंने वो इस तरह इतिहास बनाता जे सुनाता छित्र वाली गल, मूँह काले वाली गल, साढ़े मनन च नहीं आती। असी तो अपने मन की मनौत दे अर्थ करने पे, जिहड़ा गल मेरा मन नहीं मानता गुरबाणी नहीं हो सकती, मेरा मन नहीं बनता वो इतिहास नहीं हो सकता। तेरा मन कोई आखिरी डिग्री है, तेरा मन भी गलत हो सकता तो है, जिन्हों गुरु ते शक हो जाओ गलती है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज बाहर आए, भाई लद्दे दे सिर्फ अखां चमक रहीआं सन, बाकी सब काला सी। महाराज वेख के उन्हें हथ जोड़ दे, सतगुरु कहिंदे आ किवें आ हैं, ये शब्द श्री मान भाई वीर सिंह ने टिक्के दी वार च लिखे आ। कहिंदा सतगुरां वल वेख के कहिंदा दाता जी, उन्हां वल इशारा करके दोवां भरावां वल, तेरे दर तो फिटकिया होया दा फिटकिया होया वकील बन के आया, तेरे दर तो फिटकिया होया दा फिटकिया होया वकील बन के आया। महाराज कहिंदे आ तैनूं पता है ना कीता की,
अगला उन्हें तरला लिया, सतगुरु मैनू पता है जो कुछ पाप इन्हें किया, पर एक कृपा करो, तुसी साडे औगन्ना वेखो, तुसी अपनी बख्शन वाली रहमत वेखो, साडे औगन्ना देखो, तुसी अपनी बख्शिश वेखो। पर कहिंदे इतिहास कहिंदा है जां उदन अखां भरियां जिदन निंदिया तो बाद की निंदिया सुन के कीर्तन किया, गुरु अर्जुन देव दे नेत्र भिज गए जी, आप अगे गए थले उतार लिया खोते तो। इतिहास कहिंदा उसे तरह कालख नाल लिबड़े नूं घुट के अपने सीने नाल ला लिया। अगला काम की किया, जल मंगाया, थले बिठा लिया, अपने हथी मल मल के भाई लद्दे की कालख लाई। ये गुरु अर्जुन देव ने खुद मूँह धोता, वह सारा मुख धोता, अपना चोला ला के कह लगे लीरा ला दे तुसी आ चोला पा लो। महाराज ने अपना चोला दिता, मुख धोता, दोनों भरा दौड़ के महाराज के चरणों च डिगे। सतगुरां ने कहा दुख भंजनी थले इशनान करके आओ, इशनान करो। भाई लद्दिया तू पर उपकार कीता है। अगले शब्द सुन वाले ने कहिंदे तेरी गल नहीं मैं कदी मोड़ सकदा, ये माफ करन योग नहीं सन। नाल आखे उन्हें संगत जी पानी तो बिना खेती सुक जाए, पानी मिले तो हरी हो जाएगी, जिहड़ी पानी च सुक जाए उन्हूं कौन हरिया करेगा। महाराज की कहना चाहते हो? कहन लगे गुरु दे धक्के नूं सिख बचा सकदा है, जिन्हों सिख धक् दे उन्हूं गुरु ने कित्थे बचाना है। पानी तो बिना नूं फिर सुनियो बचा दिता। कहिंदे इन्हां नूं कहो इको तरीके नाल जुड़ सकदे आ, जे समूह ने निंदिया की उस समूह नाल सिफत कर। कहिंदे दोनों भरा गए, पहला दुख भंजनी इशनान किया, इको दम जिहड़े जख्म सन उन्हां नूं राहत जी मिल गई, भरे नहीं गए। जिहड़ा अंदर तड़फदा पिया सी ना वह गुरमुखो सकिन दे कोड़ नालों तां अंदर दा बुरा हाल हुंदा, जदों अंदर खिज जांदा अंदर सड़दा अंदर कलबदा उदों बंदा सौ नहीं सकदा। इशनान किया जिवें ठंड पै गई, गुरु साहब के सामने आ गए। याद रखियो मैं एक बेनती तुहानूं करां, इकबाल कहिंदा मां सर मुहम्मद इकबाल कहिंदा फिर शाने करीमी के हौसले देखे गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं। थोड़े जिहे मर्च कर दिना, कहिंदे फिर रब दी वेखो तुसीं गुरु मुरशद अपने दी बख्शिश, जदों बंदा गुनाह करके कहिंदा मैं गुनाह कीते फिर की हुंदा जी, फिर शाने करीमी के हौसले देखे गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा सर को झुका करके गुनाहगार हूँ मैं। बोसा समझ गया ना, जदों हाथ जोड़ के बंदा कहिंदा है मैं भुल कीती, कहिंदा रब उहदे हत्थां नूं चुम्मन लग पैंदा है। अगले की जी अगे वह कहिंदा है फिर शाने करीमी उस परमात्मा ने जदों अखां चों पानी डिगया ते रब हाथ अगे करके कहिंदा धरती ते अथरू ना सट, ये पछतावे दे अथरू ओ मोती ने जिन्हां दी कीमत कोई नहीं पै सकती। मैं बेनती करा संगत आ गई जी, अज सत्ता बलवंड आ गए ने, जदों विछड़िया कोई मिलता है ना उदों बैराग दीआं कांगां उठदीआं ने, ये याद रखियो। असीं कह दिंदे आ अज तों बाद नहीं तेरा मेरा संबंध, अज तों बाद नहीं मिलना, मैं मरे दा मूँह नहीं वेखना, इस लई कहिंदे आ ना। इत्थे तां खून दे रिश्तेआं नूं वी कह दो जदों फिर वापस मुड़न दे ना, बंदे दीआं अखां नम हो जांदीआं। संगत च बैराग सी, महाराज जी ने कहा सिफत करो, हुण मैं तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा मैं की बोलिया। उत्थे फिर इन्हां दोनां भरावां विच्चों पहला बलवंड जी खड़े हुए, संगत सी, ये पौड़ियाँ इको दम उचारन हुई हैं। उत्थे गुरु साहब के सन्मुख बलवंड जी खड़े हो गए, इन्होंने हजूर वाल मुख करके हुण देखो किड्डी वड्डी कृपा होई, विछड़िया वापस आ जाए किन्नी कृपा हो गई। मैं उस दिन कहा सी पहला सिर्फ कीर्तन करन हारे सन, सिर्फ गुरबाणी का कीर्तन करते सन, अज इनी कृपा आ गई, सुरत इन्नी उच्ची चली गई, अभेदता विच्चों गुरबाणी दे उचारण करता बन गए। पहला सिर्फ कीर्तन सी, अज कीर्तन दे नाल नाल गुरबाणी आई। सब तो पहला फिर बलवंड जी बोले, बोल के कहिंदिया नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीव दै, दे गुणा सत भैन पारां बखै पारंगत दान पड़ीव दै, नानक राज चलाया
सचकोड़ सतानी नीव दै लहने धरियोन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दै मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर प्राकुवै जी दै गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दै छह टिक्का दितोष जीव दै। पहली पौड़ी पढ़ी हुण पहली तोक विच सब कुछ कह गई। मैं ये अर्थ कथा कर चुका वैसे उथे नौ करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीम दै। फिर सुनियो पहला कह रहे सन गुरु नानक साहब नू कौन जानदा जे असी कीर्तन ना करदे हुंदे ते अज ओही जबान कहिंदी ओ दुनिया दे लोगो गुरु नानक नू कोई मुथाजी नहीं साडी सिफत दी। जिन्ना वड्डा वाहगुरु ने गुरु नानक साहब नू कीता साडे बलवंड कहिंदा मेरी की ताकत ओए नवाणे दी मैं बोल के कहा गुरु नानक साहब इन्ने वड्डे मेरे च कोई ताकत नहीं। मैं बेनती करा फिर इन्हें मत्था टेकया पहली पौड़ी कह के अगों फिर बोलिया लहने दी फेर आई है नानका दोही खटिया जो तो हाँ जुगत सह सह काया फिर पलटिया झुलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटिया। ये दूजी पौड़ी कही फिर मत्था टेकया। तीजी पौड़ी कही जिन कीती सो मनना को साल जिवाहे साली धर्म रह के देवता लै गल्लां करै दलाली सतगुर आखै सच्चा करै सा बात होवै दरहाली गुर अंगद दी दोई विरी सच करता है बंद बहाली। फिर इन्हें तीजी पौड़ी कह के मत्था टेक देता। फिर जी संगत सुन रही है देखो किवें बाणी तीजी तो बाद फिर पौड़ी कही हो रो गंग वहाई है दुनियाई आख है के क्यों नासन की ईसर जगनाथ उचहदी वैण विर क्यों। जदों ये चौथी पौड़ी किवें एक दो दो तुक पढ़ रहा जी महाराज जी ने एक चौथी तो कही पौड़ी कही फिर मत्था टेकया। फिर जी महाराज जी ने देख रहे हैं संगत शांत। फिर पंजवी पौड़ी कही वो कही फिर वसाया फेरू आण सतगुरु खडूर जब तब संयम नाल तुद फुर मुच गुरूर लब मनाए मानसा ज्यों पाणी वूर वरिया दरगह गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ न लभी तू ओ ठरूर नौनिद नाम निदान कह तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो बन्ये चूर। ए बलवंड जी दी आखरी पौड़ी है। मैं फिर बेनती कर ला सत्ता खलोता है बलवंड जी पौड़ी कह रहे एदा मतलब उन्हें ए भी कह दिता सतगुरु जेड़ा तेरे घर दी निंदिया करदा है उन्हें चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो जाना उहदा भला कदी नहीं हो सकता। ये लफ्ज कह वेखो ते जेड़े बंदे दिन रात करदे उन्हां दा की बनना है। निंदा तेरी जो करे सो वन्ये चूर नेड़ा दिसै मात लोग तू सुजै दूर। ये जदों पंजवीं पौड़ी कह के बलवंड जी इन्ने क भिज गए जी अभेद होया ने मत्था टेक दिता उथी बह गए। हुण सत्ता उठिया पहलियां पंज पौड़ियां विद्वान कहिंदे राय बलवंड ने कहियां हुण ओही बख्शिश हो गई पहला वड्डे ते होई हुण भाई सत्ता उठिया। वेखो मैं कहना दुनिया के लोगो ए तू वड्डी करामात कोई देखोगे कि इको दम उस अंदर वह बख्शिश वरती वह उच्ची सारी फिर बोलिया कहिंदा सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दादे जे विहार पोता परवान जिन बासक नेत्र घत्या करने की तान जिन समुंद वरोलिया कर मेर मधान। जदों गुरु अमरदास की सिफत करी गया इन्हें छेवीं पौड़ी कह के मत्था टेक दिता। फिर उठिया फिर उच्ची आवाज विच बोल के सतवीं पौड़ी कहिंदा धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारा धारिया सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथा अतोल तू तेरा अंतना पारा वारिया जिनी तू सेव्या भाव कर से तुद पार उतारिया लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सा परवारिया धन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया नानक तू लहना तू है। वाह वाह नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन सदारिया मत्था टेक दिता। सत पौड़ियां हो गई संगत इसे तरह सी जी पुछो कोई ना उस दिन कैसी खेड वापरी जी। एक कोल बैठा अठवीं पौड़ी आ जड़ी अज है अज तुझे देखो कितने शिखर ते लै गए गल। गुरु अर्जुन देव महाराज जी वल वेख्या सच्ची सरकार वाल मैं जो मैं गल कर रहा सिर्फ मैं अपने गुरु की सिफत लई
तो एक गल याद रखियो, जिन्ना अपने गुरु नूं वड्डा कहोगे गुरमुखो उन्नी अंदर दी मैल सड़ेगी, जिन्नी हौमे दी मैल ना तर्क तर्क करोगे अंदर खिंड जाएगा। सतगुरु वड्डा कर, हाँ एडा वड्डा किड्डा वड्डा कहिए जी, किड्डा वड्डा कहिए। गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेसर हैपी होग, एडा वड्डा कहिए। सतगुर नानक देव है, निरंकार नानक देव है, निरंकार आकार बनाया, एडा वड्डा कहिए। ये ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, आप नारायण कला तार जग में परवरियो, एडा वड्डा कहे कि मेरा गुरु निरंकार का साकार रूप है। सतगुरु वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डिया वड्याइया सह मेले त नदरी आईया, जात इस भाणा ता मन वसाइया, कर हुक्म मस्तक हाथ तर विचो मार कढ़िया गुरियाइया। हुण देखो गुरु अर्जुन देव सामने किन्ने कु दिन पए जी, मैं ता क्या एदू वड्डी गुरबाणी दी करामात की होवेगी। कोई समय गुरु अर्जुन देव बुआ खड़का रहा, अज अंदर दे तोटे पै गए। साचे वे रब मेर करे अंदरों ना कोई टुट जाए, बाहर दियां सट्टां जरियां जांदियां ने, अंदरों जिहड़ा टुट जाए नहीं जे जरिया जांदा। भाई मां सिंह टुट गए ना जी, चलो ये गल वक्री किथे दिता पर बदावा दिता है, इन्हूं भुलीए ना रामिया ने जदों लिख दिता तुसी साडे गुरु महाराज कोल है जी। मैं अक्सर कहना हूं उत्थे उन्हें कह दिता तीन बंदियां दे साइन हुए समझिए जे जो जो पुरानियां लिखता मिलदियां, तुसी साडे गुरु ने असीं तुहाडे सिख नहीं। इन्ने चिर नूं टांगू टांगू दा मतलब जिहड़ा रुख ते खलो के बहिंदा पिया वी वजीर खां दी फौज, उन्हें कहा महाराज आ गई वजीर खां दी फौज। सतगुरां ने नाल ही लपेट के कमर कस्से च पा लिया, तुर पै उधर मजायल। जदों पिछा तुर लगे माई भागो ने विगाड़ के क्या कादे लिए आए सो, ते कर की चलो चलो पिछा। भाई मां सिंह आप शहीद होए ना जी, भाई मां सिंह नूं झोली च रखिया, यह इतिहास नहीं पर मैं मैनू किसी गुरमुख बड़ी भिजी रू ने कहा कि जदों भाई मां सिंह ने कहा मेरा बदावा पाड़ दिओ, पाड़ दिओ बदावा, असी भुल गए। किहड़ा बदावा महाराज, कहिंदे आ कहिंदे आ जिहदे च लिखिया सी साडा तुहाडे नाल कोई रिश्ता नहीं। एक गल याद रखियो, जिन्ना मर्जी भज लो जी, अमृत छक के बंदा जिथे मर्जी तुर जाए, जिन्ने मर्जी जन्म तुर जाई, जिहदी बांह एक बारी गुरु नानक साहब ने पकड़ी उहनूं गुरु ने डुबण नहीं देना। अनेक चूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त ना पाए, जिन्ना मर्जी भटक लै फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए। महाराज जी ने कहिंदा महाराज जी ते लिखिया सी टुट्टी, उत्थे कहिंदे महाराज हस के कहिंदे टुट्टी नहीं सी, कहिंदे सतगुरु ने टुट गई सी। कागज कढ के कहिंदे आ जदों टुटदी है ते दोनों पासियां तों दस्तखत हुंदे आ, तुसां कीते मैं ते नहीं कीते, तुसी कीते भी साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। मैनू दसो मैं लिख के नाल लिखिया होवे तुसी मेरे सिख नहीं ते मैं तुहाडा गुरु नहीं, मैनू पता सी तुसी मेरे तो बिना नहीं रह सकते, मैं तुहाडे तो बिना नहीं रह सकता। मैं तुहानू फिर बेनती करा, इस वक्त गुरु अर्जुन दे बैठे आ, शांत हो गया सब कुछ, फिर हुण आखिरी पौड़ी बोलिया जी भाई सत्ता जी, इहदे अर्थ आपां करने आ, मैं थोड़ा टाइम लाँगा तुहाडा, प्लीज़ तुसी टिका बनायो। तो जे तुहानू जे कि वैसे चंगी लगनी चाहिए, गुरु हरकृष्ण साहब का पुरम नान आयो, मैं कई उदाहरण दित्तियां, ये वार पढ़न तन के कोड़ दे रोग जाते हैं, स्किन के रोग जाते हैं, बीमारियां जाए, निंदिया की बीमारी का पाप कटिया जाता, बंदा तौबा कर जाए निंदिया तो फायदा है। जे कल मैं अपने नितनेम च वार पढ़नी शुरू कर दिया फिर तो बाकी मैं भी पढ़ा तुम पढ़ो फायदा है ना जी, बाकी जे नहीं तो फिर कलाकारी है। हुण इत्थे फिर गुरु अर्जुन देव वल मूँह करके सत्ता जी बोले चारे जागे, हुण अर्थां वल ध्यान दे, उत्ते तुकां आई जाणियां नी, चारे जागे चहुं जुगी पंचायण आपे होवा। चारे दा अर्थ की हो गया, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु अंगद देव जी, धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु रामदास जी। जागे का अर्थ
प्रगट होए, एक जागेदार ते रोशन होए, आपां कहिंदे जगा दिओ, एक जागेदार ते अंतर आत्मा परमात्मा विच अभेद ने, चारे जागे। इहदा अर्थ करांगा जी, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव, धन गुरु अमरदास जागे, गुरु रामदास, चारे पातशाह जागे रोशन होए। किवें? चौ जुगी, चौवां जुगां च, चारा अपने अपने समय च, अपने अपने समय च, पर एक दे अर्थ होर भी ने जी। मैं जी एक होर भी तुहानूं बेनती करनी है, क्योंकि कई वारी असीं बड़ी सिर डाह दिंदे आ, अर्थ किवें इक कोई गया, दो भी हो सकदे आ, तीन भी हो सकदे आ, खिमा करिओ। चारे जागे चौ जुगी, इहदा अर्थ इह वी कीता चौ जुगां दे जीव होण, चारे पातशाहां च इन्नी समर्था सारे जीवां दा उदार पार उतारा कर सकदे आ। फिर बेनती, चारे जागे अर्थ सौखे करा, चारे पातशाह अपने समय च रोशन होए, चौ जुगी अपने अपने समय च, पंचायण आपे हो वाह। कथा करदे पुराने बजुर्ग अर्थ वरदे सन, अज नहीं पुरातनता, एक अर्थ हुंदा सी सलेश, विद्वान बंदियां नूं गल समझ पै जानी सलेश। ये सलेश पोइट्री का एक अलंकार हुंदा है कि वह शब्द जिदे कई अर्थ हो जाण, शब्द एक होवे अर्थ कई हो जाण, शब्द एक होना, पंचायण सलेश अर्थ होने ने। एक ते पंचायण दा अर्थ ते पंजवें सतगुरु, पंजवां आयन दा अर्थ ते घर, पंचायण दा अर्थ कीता पंजां तत्तां दा घर, पंजां तत्तां दा सोमा अकाल पुरख वाहिगुरु। एक पंचायण दा अर्थ ते पंजवां अवतार आयन दा अर्थ आया। मैं तां कहा सलेश अर्थ मैं कर लगा, ते मैं ये तां बोल के कीते ने क्योंकि जो टीवी ते सुनदे आ सारे, कोई मुहब्बत करन वाले गालां कढ़न वाले सुनदे आ, मैं तां कहा, मैं दो अर्थ तां कर रहा। सलेश, सलेश अलंकार है, एक लफ्ज दे कई अर्थ हुंदे ने। भाई कान सिंह ने तो तक है जिहड़ा मोहन वाला शब्द है वह सलेश अर्थ होगा, वह मोहन लई भी है तो अकाल पुरख लई भी है। इत्थे पंचायण, पंजवें आए, पंचायण आए, चारे जागे चौ जुगी, पंचायण आपे होवा, एक अर्थ है पंचायण दा अकाल पुरख वाहिगुरु। चारे जा आए ने, रोशन होए ने, ते सच एवे कि पंजवें विच वी ओही अकाल पुरख आ पाया जिहड़ा चारां दे विच वरतदा पिया। चारे जागे चौ जुगी, पंचायण आपे होवा। अगे फिर कहिंदे ने आपी ने आप साझियों। हुण देखो अर्थ एदू वड्डा, मेरा नहीं ख्याल मैं कोई अर्थ कर सकांगा। आप ही ने आप तो वाहगुरु है जी, आप पहली पौड़ी पढ़ने सारी वार दी, आप ही ने आप साझियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साझी है कर आसन दिठो चाओ, दाता करता आप तू, तुस देवें करें पसाओ, तू जानोई सबसे दे लैस है जिंद कवाओ। सारा क्या शब्द वरत्या हुण इत्थे वे, आप ही ने आप साझियोन अकाल पुरख वाहगुरु, आपने आप नूं गुरु अर्जन दे रूप दे विच साज दिता है। फिर सुनियो, क्योंकि पंचायण आपे होवा ना, पंजवें आए मैं पंचायण दा अर्थ वाहगुरु भी कीता, पंचायण दा अर्थ गुरु अर्जुन दे भी कीता। आप ही ना आप साजियों, आपे ही थम खलोवा, उस आपने आप ही सब कुछ साज दिता, ते जिन्ना संसार साजिया इहनू थम के खलोण वाला भी गुरु अर्जुन देव है। अगे मैं थोड़ी अर्ज करना, थोड़ी सिवत होर करा, आप ही ने आप साजन, आप ही थम खलोवा। फिर सुनियो, आप सिरजनहारा, ते सिरजन तो बाद इन थमण वाला भी आप है, कोई धौल ढगा नहीं, आपे ही थम खलोवा, आपे पट्टी कलम, आप पट्टी भी लेख लिखन वाली, आपे फट्टी जिन्हों कहने, कलम भी आप, आपे पट्टी कलम आप, आपे जीवां दियां पट्टियां लिख दो, कलम भी तुहाडे कोल, आप लिखण हारा खोवा, लिखण वालिया तू आप ही, तेरे तो बिना लिखण वाला की। फिर अर्ज है, आप ही ने आप साजो न, आपे थम खलोवा, आपे पट्टी कलम आप, आपे लिखण, आप लिखण हारा खोवा। अगे शब्द वरते ने, सब उम्मत आवण जामणी, कहिंदे सन गुरु अर्जन देव नूं कौन जानदा है, सब उम्मत। पहला मैं उम्मत दे अर्थ करके आया संगत, इत्थे उम्मत दरते संसारी लोग, जनता, जीव जंत, सब उम्मत आवण जामणी, आवण दरते जन्म, ते जामणी दरते मौत, सारी लोकाई जम्मण ते मरण दे गेड़े विच पईए, आपे ही नवा
हाँ आपे ही नवा हाँ नन्ने सियारी जरूर बोलनी जी नरोवा नहीं कला नेरोवा सियारी लगी क्योंकि आप फिर बोलिए कि इतने फिर सब उम्मत आवन जावनी आपे ही नवा नेरोवा नरो उंज पंजाबी से जी नरोवा कहने नेरोवा सारी दुनिया जम्मन ते मरन विच होए अकाल पुरख वाहगुरु धन गुरु अर्जुन देव वो सच्चा पातशाह हर युग दे विच नवा नरोवा रहेगा जदों भी गुरु अर्जुन देव कहेगा उहदे अंदर नूं सुख मिलेगा। हुण इहदी व्याख्या इस पौड़ी की व्याख्या भट्टां दी सोई है सब उम्मत आवन जावनी आपे ही नवा नरोवा वेख के गुरु अर्जुन देव वल सतगुरु बैठे आ। मैं फिर बेनती करा शिव धोरी तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोवा अज मन गया अंदर तख्त बैठा केड़ा तख्त नानक राज चलाया सच कोड़ सताणी नीम दे केड़ा तख्त मल तख्त बैठा गुर हटिया धन गुरु अंगद देव जी ओ तख्त। फिर ध्यान में सुनियो पंचायण है ना केड़ा तख्त जिदे बारे कह रहे ने कि होवै सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी पातशाह दा तख्त केड़ा तख्त सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यो दादे जेव्या पोता परवान। मैं पहली तुक बोल रहा ओ तख्त जिथे धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया केड़ा तख्त सिखी अतः संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया उस तख्त जिन्हों गुरबाणी कह रही वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत। हुण इत्थे विरसे नूं तख्त बैठा अर्जन गुरु मैं इत्थे एक बेनती तुहानूं करनी है तख्त ते बैठे ने धन गुरु अर्जुन देव जी सतगुर का खिवै खिवै दर ते झिलमिल करदा चमकदा कहिंदे वेखो चमकदा पिया की चंदोवा टिप्पी लगी चंदोवा गुरु अर्जुन देव तख्त ते बैठे आ कहिंदे संगत जी आ देखो गुरु अर्जुन देव दे सीस दे उत्ते झिलमिल झिलमिल करदा चंदोवा चमक रिहा तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुर का खिवै चंदोवा उगवण हो तै आथवणु। एक थोड़ी जी मैं होर भी पिछे करियो तो के तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोवा गुरु अर्जुन देव जी का गुरु ग्रंथ साहिब विच 20 वारी नाम आया मैं भुला ना मैं दावा नहीं करना हो सकता मैं गलत हो गुरु का अंत नहीं लेना चाहिए 20 वारी आया है इत्थे सिर्फ एक शब्द आया अर्जन 19 वारी भट्टां दे सोईयां विच आया अर्जुन। मैं एक वारी इहदी व्याख्या करके गया फिर मैं अज रिपीट कर लगा गुरु गोबिंद सिंह जी ने शब्द वरत्या अर्जन अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हरि इत्थे अर्जन ही बोलना जो लिखिया ये नहीं कहना भी 19 वारी इत्थे इत्थे औंकड़ चुक ठोक नहीं देनी विद्वान बन के जो लिखिया तख्त बैठा अर्जन गुरु उत्थे आया अर्जुन अर्जुन ये पद छेद अर्थ ने अर अते जुन अर दा अर्थ हुंदा दुश्मन ते जुन दा अर्थ हुंदा जुनना लभ सुनियो जूझना नहीं जुनना जूझना दा अर्थ हुंदा लड़ना ते जुनना दा अर्थ हुंदा जित जाना अर्जुन दा अर्थ है अर दा अर्थ दुश्मन गुरु अर्जुन देव ने जिन्ना अंदर दे दुश्मन जित ले जी नहते पांच जवान मैं गुरथापी दित्ती कंड जियो उदू बाद बाहर दे दुश्मन कोई रेता पाता है उबालते ने लोह ते बिठाते ने वह भी जित गए वह तपाना चाहते ने जितने वाला गुरु अर्जुन देव कह रहा तेरा की आ मीठा लागे जिते गुरु अर्जुन देव ने अर्जुन दर ते जुन दर ते जुनना जेड़े जित दिन तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोवा। अगे जी तै मेरी फिर बिंदी नूं तै नहीं बोलना जिन्नी को मैंने समझे मेरा दावा नहीं जे बिंदी ला के बोले अर्थ बद बदल जाने ने तै दर तो जगह तू ते तै दा अर्थ है अतै उगवण हो उगवणों का लफ्जी अर्थ हुंदा उगना हाँ जी उगना दर ते जिधरो सूरज निकलदा पूर्व वाला पासा तै तै दा अर्थ है अते अगे आथवणों बड़ा पुराना शब्द है जी अपने पिंडां दा आथ नहीं आ जी
ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਤਮਨੋਂ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਗਵਣੋ ਉਗਵਣਹੋ ਤੈ ਆਤਵਣੋ ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਐੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਲੋਵਾ ਹੋਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਮੋਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਆ ਦਰ 'ਤੇ ਮਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਣੀ, ਸਮਝਣੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਚੌਣੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ, ਅੱਜ ਔਖੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਕਨੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਖੱਖੇ ਬਿਹਾਰੀ ਔਖੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐੜਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਔਖੀ। ਇੱਥੇ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢੋਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਢੋਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਲਾਪ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਝ ਦਾ ਢੁੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜੰਝ ਢੁੱਕ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਢੋ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਕਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ। ਢੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਢੋਆ ਦਰ 'ਤੇ ਸੁਗਾਤ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਗਿਫਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਨਗੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਸੁਗਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ, ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਚੌਵਾਂ ਜੁਗਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੌਵੇਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਅ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਰਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਆ, ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਲਮਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਰ ਧਾਰਨ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ। ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਲ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਕਾ ਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਰ ਧਾਰਨ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ,
सारियां मुरादां पूरियां हो गईयां। मेरे दा मतलब पुत्र तां पहलां भी दो ने, बाबे प्रीति चंद नाल मुराद नहीं पूरी हुई। मां दे वाहे नहीं प्यारियो, ये जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी ने, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो, भगत जोत को जय भगत जो को जय त्वार, हर जन को पायो, शब्द गुरु प्रकाश्यो, रसन बसायो। कहिंदे ने सच ए वी गुरु अर्जुन देव जी रसना ते रब दा नाम, उहदे विच इक अखीरला बचन है, गुर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आए। कहिंदे गुरु रामदास दे घर च गुरु अर्जुन देव भगत बन गए। थोड़े जे आपां सिबद कर लईए जी, पट फिर अपनी विथ्या दस दे। मैं एक दिन अर्ज की सी जी, कोई सवारी ना जिन्नी मर्जी साइंस तरक्की कर गई, हर एक दी एनर्जी दी सीमा है ना, हर सवारी दी। मान लो आ गड्डियां लैके आए हैं, भावें किसी दी गड्डी 10 लाख दी होवे, 1 मिलियन दी होवे, उहदे विच तां मीटर लगे ने, इदू तेज ना भजाई, इहदा लिमिट है, सीमा है। समुद्री बेड़े दी सीमा, हवाई जहाज दी सीमा, ट्रेन दी सीमा, टैंक दी सीमा, बंब जिन्ने मर्जी बनाई जाओ, सीमा तो उदा दी भी है ना। पर गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह है, एक बारी सारी सृष्टि धन गुरु अर्जुन देव बोले ते कल्ले गुरु अर्जुन देव सारी सृष्टि नू पार कर देंदे आ। कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, उत्थे नहीं कहा भी आ पूर जाएगा, 700 बंदा चाहो, बाकी अगले गेड़े जायो। वाह वाह किड्डी वड्डी बात कही, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल सृष्टि लग भेतरो, सारी सृष्टि तारन दा पट। कहिंदे जब लो नी पागल लार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बोतायो, कल कोर समुंदर में बुढ़ ते कब हूं मिट है, नहीं रे पछतायो। कहिंदे गुरु अर्जुन देव डुबे पै सा कलयुग। मैं सिर्फ इस करके तुसी थोड़ा जा टिकाव बनाई रखियो, क्योंकि दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं होनी, ये कथा जो एक बारी होगी होगी, बदल जानी अगले साल ही कराओगे। तो जब लो नी भाग लार उदे, जद देर तक मत्थे दे भाग नहीं गुरु अर्जुन देव कितने मिल जावा सी, भरमते फिरते बहुत आयो, कल कोर समुंदर में बुढ़ डथे कब हूं मिट है, नहीं रे पछतायो, तत् विचार। ये कहिंदे ने असी तत् कह रहे हैं, केड़े गुरु, तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नाय, जग और ना याहे महातंग में, इस महानेरे विच गुरु अर्जुन देव जागे ने, जग और ना याहे महातम में, अवतार उजागर आन की, तिनके तू कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए पद ते मर चुके रेमन, भेद विभेद ना जान बियो, पर तछ हृदय गुरु अर्जुन कह, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। मैं खीर वाला सोईया भट्टा का जो दो सोईए, जो त्रुवर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत् सो तत् मिलायो, अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिरकियो, अमरदास अमृत शतर, अमृत शतर, अमृत नहीं अमृत, जिन्हें मरना नहीं, अमृत शतर, अमृत शर्त गुरु रामे दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिखो नै। अखीरला सवैया है, देवपुरी में गयो आप परमेसर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु ताहे बिठायो, रहस कियो सुर देव तोहे जा जय जय जंपे। ए गुरु रामदास जदों जांदे पए ने ना ज्योति जो समय, उदों भट्ट कह रहे ने, कहिंदे देवपुरी चले गए गुरु रामदास, देवपुरी में गयो आप परमेसर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु ताहे बिठायो, रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपे, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपे, काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो, शत्र सिंघासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आए। मेरी बेनती है जी, गुरु अर्जुन देव दे पर्व कारण सिखो कभी भुलो, गुरु अर्जुन देव जे गुरु ग्रंथ साहब ना देंदे सी किन्नी देर दे मर मिट जाना सी। ये गुरु अर्जुन देव दा परोपकार है। हरिमंदर साहब बिल्कुल सरोवर सरोवर के दरमियान केंद्र दे दिता, रही दुनिया तक उस तो बख्शना वरतनिया ने। उन्होंने पहला कोड़ी आश्रम बनाया सी तरन तारण साहब, करतारपुर वसाया, शहलटा बनाया। मैं बेनती करांगा सब तो वड्डा परोपकार बाणी भी उन्होंने कथी की, तो उदू वड्डा एक परोपकार किया शहादत की नींव भी उन्होंने रखी है। ऐसे गुरु अर्जुन देव के सामने दोनों भरावान ने जो गा लिया
शांत हो गया काम, बैठ गए जी। फिर धन गुरु अर्जुन देव उन्होंने कहा, भाई लद्दा तेरे पर उपकार नू कभी भुलिया नहीं जाएगा, जड़ा ये साखी करेगा, जड़ा साखी पढ़ेगा उन्हें सिक्खी मिलेगी। मैं ताही बेनती की, एडा वड्डा परउपकार किया भाई लद्दा जी ने। अज भाई लद्दा तुर लगा, मत्था टेक के कहिंदा सतगुरु अगे तो नहीं सी हुण पक्का हो गया, अज मूँह की कालक कादी धोती आ, अपने हत्थां नाल जन्मां जन्मां की कालक धो दित्ती। अज चोला कादा पाई, ये प्रेम पटोला पा दिता है। भाई लद्दा जी तुर लगे आ, सत्ता बलवंड हाथ जोड़ के खलो गया, गुरसिखा तेरा पर उपकार नहीं पुर सकते। अगो फिर भाई साहब कहते, सतगुरु जी कृपा करो इन्हों चौंकी बख्शो कीर्तन की। महाराज कहते, शब्द गावन हारे हो गाओ, रज रज के गाओ, संगत सुन गिया, हाथ जोड़ के कहते सतगुरु गावे जरूर, पर आ दिन ना दोबारे कदी आने जो कोई सा वापरिया। महाराज कहते अंतला सुवास भी कीर्तन च निकलेगा। सत्ता बलवंड गुरु अर्जुन देव दे वेले कीर्तन करते रहे। गुरु हरगोबिंद साहब सिंघासन ते विराजमान होए, अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी। महाराज फिर लाहौर गए, गुरु हरगोबिंद साहब लाहौर गए, जिथे डेरा साहब महाराज का शहीदी स्थान है, इत्थे फिर कीर्तन हुंदा सी। सुबह का कीर्तन होया, दोनों भरावान ने अज इन्ने वजद आसा की वार का कीर्तन किया, ते सचे गुरु नानक साहब की सिफत दे शब्द गुरु अर्जुन देव की बाणी रज के पढ़ी गए। इको दम साज बंद हो गए, जोड़ी की आवाज़ बंद हो गई, सरंदा वजान जा रबाब बंद हो गई, अगों आवाज ही नहीं निकली। संगत ने देखा, दोनों भरा उठ के खड़े हो गए, गल च पला पाया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। यह प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखा जी, मैं थोड़ा हवाला दे देना, कई कहते हैं बाद जींदा रहा, वो लिखते हैं खड़े हो गए, संगत देख लग पी हूँ की होया, पहली घटना वापर चुकी सी। कहते सच्चे पातशाह साढ़े दोनों भरावान का अंतला समा आ गया है, तुसी कृपा करो सानू गुरु अर्जुन देव वाली जगह पर दफनाया जी, जिथे हजूर शहीद होए ने इत्थे सानू दफन करो। तो पता शरीर किवें छड्या, दोनों ने हाथ जोड़े, इतिहास कहिंदा सत नाम गुर मूर्त मन मैं दृढ़ कीनी, रज के सरूप देखिया, सत नाम कह बप तज दीनी, सत नाम वाहगुरु क्या, इस तरह मत्था टेकिया, दोनों के सिर गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में आ गए। दोनों भरावान ने कठिया लाहौर चोला त्याग गया। असी इस वरे उन्हां नूं याद किया, मेरी बेनती गुरमुखो तुसी पढ़ के देखियो, अजकल रिकॉर्ड हुए मिल जाते हैं पाठ शुद्ध, ये तो इशनान करद मिनट तीन नहीं लगते, रस ही बड़ा होंगे जी जदों बंदा सिफत करता गुरु दियाँ। ये सतगुरु कृपा करे। दूजी गल, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्होंने जरूर चेते कर लीए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरी एक तुक दिती गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास से हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ है सब दुख जाए। कवि संतोख सिंह कहता है, दर्शन श्री हर कृष्ण के निपुण हरन जुरतीन, तीन तापां दा नाश करने वाले ने गुरु हर कृष्ण साहब के दर्शन। दर्शन श्री हर कृष्ण के निपुण हरन जुरतीन, चरण मनोहर वंदना। महाराज के चरण लाल सन जी, छोटी उम्र सी ना, 8 साल की उम्र से महाराज प्याना कर गए, 5 साल की उम्र च गुरु बने। इतिहास कहता है उन्होंने चरण इस तरह लाल सन जिमें गुलाब फुल खिड़िया हो, तो जेडे नौ सन वो इस तरह सन जिमें किसी ने चिट्टे मोती टकाए हो, हाथ च सोटी रखते सन महाराज, छड़ी रखते सन। कहते उस गुरु हरकृष्ण साहब के दर्शन कित्या दुख कट्टे जाते हैं, जिन्होंने लाल चंद के होमे का कोड़ कट दिता, छज्जू नूं झूर कहिंदे आ, उन्हां नूं गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी बना दिता, जिन्होंने राजा जय सिंह की राणी की गोच पै के क्या राणीए घर बुला के साड़ी प्रीख्या लेनी है, गोद तेरी पहला खाली, औरंगजेब बूहे अगे खलोता रहा,
दर्शन नहीं दिते, कह दिता इन सुना दियो क्या खादे क्या पैदा होए जामा नहीं सच्चा सोए। राम राय सक्का भरा जोर मारदा पे गद्दी मैनू मिल जाए। 1656 हजूर का आगमन होया, सन 1661 गुरियाई ते आया, 1664 मार्च के महीने च दिल्ली बोल के क्या बाबा बसे ग्राम बकाले जो गुरु संगत बन गुरु संगत सकल संभाले। ऐसे दीन दयाल गुरु हर कृष्ण साहब जिन्हों का पुरब हर साल आप मनाने, एक तो मैं इतों के समुचे प्रबंध आ जे थोड़े स्टाफ कीर्तनी ग्रंथी साहब जी भाई गुरदीप सिंह जी मलिक साहब सारा परिवार, मैं अपने वीर भाई मनजीत सिंह जी, चलो कहते ना ना लवो पर तुम सारे जानते हो जिनी इन की टीम है, मैं इन्हों का धनवादी हाँ। एल ए शहर के पांच स्थानों के ने दर्शन कराए ने, सब का धनवाद। गुरमुखो सिर्फ प्लीज़ 5 मिनट दे दौ, जिते इन्ना समा दिता जे मैं तरला लेके आए हूँ थोड़ा जहा। आप ना गुरु अर्जुन साहब बैठे आ, उन्होंने सामने सतनाम वाहगुरु जपना है, करो कृपा। पहला दास बोलेगा जी, दूजे हिस्से खालसा जी सिंह तुसी बोलना, तो तीजे हिस्से बीबीओ भैनों मेरी बेनती ध्यान ना सुनियो। देखो मैं पौने दो घंटे बोलता रहा, गुरु साहब की कृपा, मेरे को ढोलकी भी कोई नहीं, कल ही बोली जाना ना, तो 5 मिनट तुसी जोर नहीं लाश करे, करो कृपा जी। पहला दास फिर सिंह फिर बीबिया। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सारे सिंह बोलो जी, बाहर लंगर में जो बैठे भी बोलो। बीबिया इस तरह बोलो सिंह, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सिंह उच्ची आवाज च बाबा सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम।